गुलबर्गा शहर के हागरगा मेन रोड पर नॉर्थ एमएलए कॉरपोरेटर्स और सिटी कॉरपोरेशन की गैर जिम्मेदारी की वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये तस्वीरें रिंग रोड हागरगा सर्कल से इत्तेहाद चौक की हैं, जहां सड़क के बीच में बने डिवाइडर पर लगाए गए ग्रिल पूरी तरह से टूट चुके हैं और डिवाइडर पर जंगली झाड़ इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि दूसरी तरफ से रोड क्रॉस कर रही गाड़ियों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से भी यहां एक्सीडेंट हो सकते हैं। और गैसकॉम सिटी कॉरपोरेशन की लापरवाही का अंदाजा भी इस बात से लगा सकते हैं कि यहां इलेक्ट्रिक पोल पर लगे वायर बॉक्स खुले पड़े हैं और इसमें कई वायर्स डैमेज हैं। यहां थोड़ी सी गफलत किसी की जान ले सकती है। और खासकर डिवाइडर पर लगे ग्रिल के टॉप पर तेज धार तीर बनाए गए हैं, जिसकी वजह से कुछ साल पहले एक नौजवान की मौत भी हो चुकी है। अब इन तस्वीरों में आप टूटे हुए ग्रिल, जंगली झाड़ और इलेक्ट्रिक पोल पर लगे वायर बॉक्स की हालत देख सकते हैं, जिससे दोबारा यहां किसी भी वक्त जानी नुकसान हो सकता है। गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए हमने यहां कोई जानी नुकसान होने से पहले एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बनाई है। अब गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए एरिया कॉर्पोरेटर और सिटी कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है कि वो वक्त से पहले इस इशू को इमीडिएट सॉल्व कराएं। आज हम गुलबर्गा शहर के हागरगा मेन रोड, जो कि हागरगा सर्कल से इत्तेहाद चौक तक ये रास्ता जाता है, ये मेन रोड पर हम खड़े हैं। इस रास्ते पर जिस तरह से बीच में आपको यहाँ पर जो डिवाइडर नज़र आता है, उस डिवाइडर की आप यहाँ पर हालत देख सकते हैं। ये जो ग्रिल लगाया गया है कॉरपोरेशन की तरफ से, इसकी हालत देखिए, पूरा टूट गया है। और ख़ासकर इन्होंने इस तरह से जो यहाँ पर तेज धार तीरें इसके ऊपर लगाई गई हैं ग्रिल के ऊपर, इसकी भी हालत देख सकते हैं। इसकी वजह से एक शख्स की यहाँ पर कुछ साल पहले मौत भी हुई है इसी के कारण। तो आप इसकी हालत अभी आप देख सकते हैं। और ये जो झाड़ हैं, ये जो झाड़ लगाए गए हैं, ये देखिए अंदर से जितना रोड पर बाहर आए हैं, बाहर आने की वजह से यहाँ पर लोग जब उधर से वापस क्रॉस करते हैं तो वो लोगों को यहाँ पर व्हीकल यहाँ पर नज़र नहीं आती, तो इससे कई यहाँ पर एक्सीडेंट होने के इम्कानात हैं और कई एक्सीडेंट यहाँ पर हुए हैं। माइनर मेजर कई एक्सीडेंट इस रास्ते पर हो रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जानिब से यहाँ पर कोई मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा। ये जो ग्रिल आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, इसकी हालत आप देख सकते हैं, कई सालों से इसको बनाकर ऐसे ही छोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं ग्रिल की हालत कई जगह पर टूटी हुई है, कई जगह पर वो ग्रिल के जो पार्ट्स हैं बाहर आ गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जाने वाली व्हीकल को एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा खतरा यहाँ पर नज़र आ सकता है।